किन्नौर रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे ने कहीं ना कहीं से राजनीति के गलियारों में एक हलचल पैदा कर दी है। पीड़िता के बेहतरीन इलाज के लिए व इस हादसे की जांच के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज लखनऊ पहुंची, जहां पे उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। मैं क्या मुलाकात में आपकी बातें हुई? मैं उनसे मिली हूँ और मैंने डिमांड करी है कि उन्नाव की रेप विक्टिम की चीखें और पुकार वो ज़रूर सुने। वो एक महिला है और महिला होने के नाते ही उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो महिला जो बच्ची है उसकी मदद करें। आज तक ना तो लड़की को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लेकर जाया गया, ना उसको कोई मुआवजा दिया गया, ना ही यूपी सीएम उससे मिलने पहुँचे, ना जो बीजेपी का ये जो विधायक है कुलदीप सेंगर, इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। ये अभी भी विधायक है, ये अभी भी बीजेपी का मेंबर है, तो ये चल क्या रहा है? मैंने अपील करी आनंदीबेन पटेल से कि प्लीज़ मैडम इसमें तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत ये इंश्योर कीजिए कि योगी आदित्यनाथ अपने ये बंगलो छोड़ के उनसे मिलने विक्टिम से मिलने पहुँचे और उसकी मदद करें। तीन तलाक बिल पास हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? मैं तीन तलाक बिल के लिए पूरे देश की महिलाओं को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को बहुत बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को भी मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये कानून देश में लेकर आए। और बट मुझे एक सवाल उनसे बार बार पूछने का मन करता है, बार बार मैं पूछती भी हूँ कि जब आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं और कानून बना रहे हैं और इतना लड़ के आपने वो कानून पास कराया, तो फिर क्यों नहीं निकाह हलाला और बहु विवाह के ऊपर भी आपने कानून बनाया? क्योंकि वो तो और भी बड़ी कुरीतियाँ हैं। तो ये ऐसा क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की कि इन दो इशूज़ के ऊपर भी इसी कानून में उन्होंने एक्शन नहीं लिया? इसको लेके मैं थोड़ा सा, मुझे दुख होता है, लेकिन चलिए एक पहला अच्छा कदम हुआ है। मैं अब आशा करूंगी कि इन दो कुरीतियों के ऊपर भी काम। शुक्रिया स्वाति जी आने टीवी से बात करने के लिए। थी हमारे साथ थी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो आज लखनऊ पहुंची थी राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए, जिनका कहना यह है कि पीड़िता के साथ किसी भी तरह का इंसाफ नहीं हो रहा है। वहीं उन्होंने राज्यपाल से कुलदीप सिंह की विधानसभा की बर्खास्ती की मांग करी और उनका कहना यह है कि उसको पार्टी से जल्द निष्कासित कर देना जाना चाहिए व पीड़िता के साथ अच्छे तरीके से उसकी जाँच होनी चाहिए व उसको बेहतर इलाज मिलना चाहिए। संदीप के कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।